हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, खूब जम के पढ़ रहे होंगे आप। पढ़िए, बहुत जम के पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया तो उसको सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं और आपको ईमानदारी से तैयारी करनी होगी जिसके वजह से कि आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। सारे सब्जेक्टों को बराबर टाइम दे करके आप पढ़ते रहें, ये ना कि मैथ के पीछे बिल्कुल लग जाएं। सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है, ठीक है? टाइम दीजिए, 6 घंटे 7 घंटे आप अब रोजाना मेहनत करना होगा। परीक्षा सर पे आ गया है, पीछे सारी चीज़ों को जैसे भी आप उसको रिवीजन में रखिए अब, और नई चीज़ जो भी आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। लगातार वीडियो में डाल रहा हूँ दोस्तों आप को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन जो वीडियो आप पढ़ें उसी दिन कंप्लीट कर लें। मेरी ये सोच है कि जिस दिन जो वीडियो आप पढ़ें उसी दिन कंप्लीट कर लें ताकि आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन। तो बिल्कुल सदी सराही चीज़ें आपको दी जा रही जो आपकी एग्जाम में सीधे आने वाली है, फालतू की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा रही। फिर भी मैं होमवर्क के रूप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो थोड़ा एडवांस जानते हैं बट जवाब नहीं मिल पा रहा है, जवाब अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो आगे से क्वेश्चन आपको बिल्कुल लिमिटेशन में दिए जाएंगे, वही दिए जाएंगे जो आप जानते हैं। पिछली क्लास में आपको कुछ सवाल दिए गए थे, उन सवालों के जवाब बहुत लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन मैं उसको अब बता रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझने का आपका फेर था दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, उनको हल करते हैं, फिर आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, 10 मित्र एक होटल में गए जहां पर उन्होंने भोजन किया, 9 मित्रों ने 40-40 रुपये का योगदान दिया और 10वें मित्र ने प्रति व्यक्ति औसत खर्च से 90 रुपया अधिक दिया, होटल का कुल बिल क्या है? सिंपल सी बात है, आप यहाँ समझो कि 10 व्यक्ति होंगे, अगर प्रत्येक का औसत 100, 10 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्तियों ने मान लेते हैं औसत कितना है एक्स है, 10 व्यक्तियों को एक्स रुपया का एवरेज देना था, मान लीजिए तो टोटल कितना देंगे एक्स। मान लीजिए ये एनएटी की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर आपके हैं, ए एवरेज होते हैं और टी आपके क्या होते हैं टोटल, क्योंकि आप जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है टोटल अपान यन होता है। यन का गुणा यदि एवरेज में कर दिया जाए तो टोटल ये क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाता है, या नेटी की बात कर लेते हैं। तो 10 लोग हैं, एक्स अगर प्रत्येक का औसत आ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 10x आ जाएगा। अब ये पैसा को वो लोग दे कैसे रहे ये तो देखिए, वो पैसा ये थोड़ी नहीं कहे कि 40 रुपया का एवरेज है, 40 रुपया एवरेज नहीं बताया गया दोस्त, 40 रुपया कहा गया 9 लोग दिए, तो चलिए 9 लोगों ने क्या किया 40 रुपया दे दिया। अब 10वें ने क्या कर रहा है, 10वें ने कह रहा है 10वां व्यक्ति जो तो है प्रति व्यक्ति औसत खर्च, प्रति व्यक्ति औसत खर्च आपने क्या माना है एक्स, इससे वो 90 रुपया अधिक देता है। मतलब आप ये सोचिए कि ये 10 लोगों द्वारा दिया गया कुल धन कितना था 10x था, 10x इनको देना था, बट इसको देने के लिए 9 लोगों ने 40-40 दिया और 10वां जो कप्तान था जिसको हेड था उसने क्या किया औसत से 90 ज्यादा दिया। इस 40 से 90 ज्यादा नहीं बोला है, औसत से 90, कुछ औसत क्या था ये थोड़ा नहीं बताया गया है। तो अब ये टोटल कितना के बराबर होगा 10x, यही तो देना था पैसा ना, ये पैसा इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सब मिला के इतना ही के बराबर देना। अब इसी को सॉल्व कर दिए दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36 360 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 90 इज इक्वल टू 10x, x जाके घट जाएगा 90 इसमें जुड़ जाएगा 450 हो जाएगा, x घट जाएगा तो यहाँ पे 9x, x जाके 10x में से घट जाएगा तो 9x, और ये काट देंगे 9 × 5 = 45, x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों x इक्वल टू आ जाएगा 50। इसका मतलब आपका टोटल कितना है, टोटल यही ना यार 10x, तो टोटल आपका हो जाएगा 10 × 50 मतलब आपका आ जाएगा 500। कहने का मतलब है टोटल उस बिल जो थी उस होटल की कितना रुपया आई थी 500 रुपया आई थी, जिसमें 9 लोगों ने 40-40 रुपया दिया और 10वें, अब एवरेज देखिए क्या आ जाता, 10 लोगों का एवरेज 50 रुपया आता कि नहीं आता, तो 50 से 90 ज्यादा दे दिया मतलब 140 रुपया उसने दे दिया, बकिया लोगों ने 40-40 दिया, ये बात थी वहां पे। इसको थोड़ा सा समझिएगा फिर दोबारा, बहुत क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें था दोस्त, बस आपने ये सोच लिया होगा कि 40 रुपया औसत है, 40 रुपया औसत नहीं था, 40 रुपया 9 लोगों ने दिया तो औसत नहीं दिए, उनको जो समझ में आया वो दे दिया। अब जो 10वां वाला देने जा रहा है, जो कप्तान है, जो मेन है, वो औसत से 90 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो औसत x हम मानेंगे ना, औसत हमारा x है, तभी तो पता चलेगा टोटल कितना देना है 10x, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि औसत 4 रुपए। क्वेश्चन आपका दोस्तों है, एक खरगोश पहले 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड से, अगले 300 मीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड से और अंतिम 200 मीटर
दूरी 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर हमने क्या बताया, औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो दूरी कितनी है 100 मीटर, फिर कितना 300 मीटर, फिर कितना 200 मीटर। ये तो दूरी होगी। पहली दूरी को चलने में समय कितना लगेगा, क्योंकि समय आपका क्या होगा t1 + t2 + t3 होगा ना, तो पहला समय कितना लगेगा 100 मीटर को चलने में कितना समय लगेगा अगर वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। 100 मीटर मतलब इतनी दूरी को इतने घंटे, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो 100 बटा कितना हो जाएगा 10 पहला, 300 बटा कितना हो जाएगा किस चाल से चल रहा है 15 दूसरा, और ये 200 बटा कितनी चाल से चल रहा है 8। अगर इसको आप काट दे तो 10 आएगा, इसको काट दे तो 15 दुना के 30 आएगा, इसको काट दे तो 25 आएगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ लेंगे ऊपर 600 नजर आ रहा होगा, नीचे जोड़िए 10, 20, 30 और 30 और ये जोड़ लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जा रहा है 55 आपका हो जा रहा है ना, 10 और 20 कितना 30 और 25 कितना 55 हो जा रहा है। 5 से अगर हम काट लें दोस्तों तो 11 5 कितना होता है 55 होता है, तो 11 बार में अगर 5 से इसको काट लें तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 120। तो 120 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 11। 5 से आपने काट लिया तो 5 एक कम 5 और 5 दुना के 10 तो इतना 11 से भाग देने के तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 10 में 110 ना, 11 10 में 110 और 11 121 हो जाएगा। तो 11 10 में 10 भर गए, कितना बच रहा है 110 के बाद 10 बच रहा है बटा 11। तो 10 सही 10 बटा 11 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर प्रति सेकंड में थी तो औसत चाल आ गई 10 सही 10 बटा 11 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये 600 था ये 55 है, 10 और 20 कितना 15 गुना के 30, तो 10 20 30 और 30 में 25 हमने जोड़ दिया, 25 बटे 200 होता है। तो 55 से हमको भाग देना था 5 से 11 बार में, 5 से 120 बार में 120 में भाग दिया, 11 10 में 110, 10 शेष बच गया और ये 10 सही 10 बटा 11। तो ये था आपका दोस्तों होमवर्क था और आज की क्लास अब शुरू करते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, सीधे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, आइए देखते हैं। तो आज की क्लास अब शुरू करते हैं, आज की क्लास के लिए जबरदस्त क्वेश्चन 5 हमने लिए है और 5 क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल एक है, कॉन्सेप्ट का नाम है नॉट, क्या नॉट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नॉट पर ये 5 क्वेश्चन को देखना दोस्तों, हम चुटकियों में उड़ाएंगे, आइए देखते हैं नॉट पहले कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए a बराबर हम जानते थे, क्या जानते थे t/n, t बराबर t/n, n का मल्टीप्लाई अगर a में हो जाता था तो a गुणते n बराबर हम क्या लिखते थे t, ठीक, ये हो गया a गुणते n बराबर क्या t। इसी को हमने क्या कोशिश की, यहां पर ध्यान दीजिएगा नॉट n a t, क्या नॉट n a t मतलब n और a का गुणनफल किसके बराबर होगा टी के बराबर होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 केजी है, मतलब ये 10 विद्यार्थी हैं इनका औसत एवरेज क्या दिया 45, तो टोटल क्या हो जाएगा एन और ए का गुणनफल किसके बराबर होता है दोस्तों टी के बराबर होता है, तो गुणा कर दे तो आ गया टोटल कितना 450। अब कह रहा है यदि एक विद्यार्थी के भार को घटा दिया जाए, मतलब विद्यार्थी एक तो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 विद्यार्थियों में घटा दिया जाए तो औसत में 1 केजी की कमी, तो औसत जो 45 था कितना हो जाएगा 44, तो 9 चौक 36 तीन कितना होता है 39। तो कह रहा है हटाए गए विद्यार्थी का भार इसी में से कम हुआ है ना, तो घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहां बचेगा 4, तो 14 में से 9 जाएगा 5, मतलब हटाए गए विद्यार्थी का भार कितना हो जाएगा दोस्तों 54 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 केजी, हटाए गए विद्यार्थी का भार दोस्तों कितना हो जाएगा 54 केजी हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, आइए जरा दूसरा क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं, इस नाट वाले पर कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का औसत जो आयु है 15 वर्ष, 11 है 15 वर्ष आयु है, तो 11 5 55 11 5 16 टोटल हो जाएगा कितना दोस्तों 165। अब कह रहा है कि औसत यदि एक खिलाड़ी के औसत आयु को घटा दिया जाए तो औसत आयु में 0.5 वर्ष की कमी हो जाती है, एक तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14, और ये 0.5 कर देंगे 15 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, अगर गुणा कर दे दोस्तों ये 0.5 अपना हट जाएगा, कितना हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा दोस्त 145, ये टोटल आगे घटा लीजिए यहाँ पे 0,
छह में से चार गया दो, पूछ क्या रहा है आपका, हटाए गए खिलाड़ी की आयु कितनी थी, तो हटाए गए खिलाड़ी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से इस नॉट मेथड का प्रयोग करके, बिल्कुल ये बेसिक मेथड आपका था दोस्तों, आप इसका प्रयोग करके लगा पा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ और जो क्वेश्चन आपके हैं उनको कैसे हम लगाते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को, क्वेश्चन नंबर तीन को हम देखने की कोशिश करते हैं इसी नॉट पे, NAT नॉट हमारा है। 10 छात्रों का औसत भार 44 है, 10 छात्र हैं, औसत कितना बता रहा है दोस्तों 44, तो टोटल कितना हो जाएगा 440। यदि अध्यापक के भार को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर रहा है इस बार, क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है। अगर एक अध्यापक का भार जुड़ गया तो कितना हो गया लोग 11, तो औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती, जो औसत 44 थी वो बढ़ के हो गई 45। 11 × 55 को 5, 11 × 4 = 44, 11 × 55 = 5, 11 × 4 = 44, 44 में अगर हम 5 जोड़ दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 49 होगा या नहीं होगा, 11 × 45 11 × 4 = 44 और 5 = 49। अब दोस्तों 11 लोग इसमें है, 10 लोग इसमें, तो जाहिर सी बात ये ज्यादा हो जाएगा, तो अब 495 से 440 अगर माइनस कर ले तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे 0, मतलब उस अध्यापक कर अध्यापक का भार कितना है, तो 55 kg का वह अध्यापक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये लिए आपके लिए होमवर्क देता हूं दोस्तों, ये आपका पहला होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहला होमवर्क बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा ये, पहला होमवर्क बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 10 खिलाड़ियों की औसत 24 वर्ष से, यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कप्तान की आयु बताना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसको हम बताएंगे NAT दोस्तों, फिर नाट हमारा कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 3 है, 11 औसत कितना दोस्त 30, 30 है तो ये हो जाएगा कितना, टोटल 300 हो जाएगा। 11 संख्याएं हैं, औसत आपका कितना है दोस्त 30 है, तो कितना टोटल हो जाएगा 30। प्रथम 5, 11 में से पहली 5 की बात कर रहा है, औसत कितना है 28, पहली 5 की औसत कितना बता रहा है दोस्तों 28, तो गुणा कर लो 5 × 48, 5 × 10, 4 × 14, 140। अब कह रहा है कि अंतिम 5 का औसत क्या है 31 है, तो जो अंतिम 5 है उनका औसत आपको क्या बताया 31 बताया, गुणा करेंगे 5 × 5 आएगा, 5 × 3 = 15 यहां पे हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि छठवीं संख्या का मान, ये बताइए ये 11 संख्याओं का यहां पर देख रहे हैं आप, और ये है कितनी 10 संख्याओं का, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा ये कम, तो इनको पहले 10 संख्याओं का जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × 4 कितना 9, ये हो जाएगा आपको 295, कितना हो जाएगा दोस्त 295। देखिए 5 × 5 = 9 = 2, ये 295 कितना आ गया 10 संख्याओं का, तो ग्राहमी का निकालना होगा तो किसमें से घटाएंगे 300 में से 295 घटा ले तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5। इसका मतलब हमारी जो छठवीं संख्या हो जाएगी, जो छठवीं संख्या ये पूछा है, वो छठवीं संख्या का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बहुत आराम से आप बता पा रहे दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ, अभी आपने देखा पांचवें क्वेश्चन में सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा NAT 15 संख्याओं का औसत कितना बोला 7, तो 15 × 7 = 105। कह रहा है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना 6.5, तो 8 × 5 = 40 को सुनना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 को सुनना, और 8 × 6 = 48, 48 × 4 कितना होता है दोस्तों 52 होता है, ये हो जाएगा 52.0, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दोस्तों कह रहा है कि 9.5 है, 9.5 है, तो 8 × 5 = 40, 8, 9, 72, 72, 4, 76। अब गौर करना दोस्तों, ये 15 संख्याओं का औसत था, कितनी संख्याओं का औसत दिया गया था 15 का, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का, मतलब एक संख्या इसमें ज्यादा है, एक संख्या दो बार दोहराई गई है, इसीलिए यहाँ पे 16 हो गया है, तो इनको पहले जोड़ लें 6 × 2 = 8 हो गया, 7 × 5 = 12, 100 कितना आ गया 28, मतलब ये 16 संख्याएं और ये 15 संख्याओं का, तो एक जो रिपीट हुआ है उसी का तो मान पूछ रहा है, तो बीच की संख्या रिपीट हुई है, ठीक है। बीच की संख्या क्या हुई है, ऊपर से 8 ले लिया, फिर नीचे से 8 लेंगे तो बीच की संख्या रिपीट हो गई है, इसलिए 128 में से दोस्तों 105 आप अगर घटा लो तो यहाँ पे आपका आंसर आता नजर आ जाएगा 23, कितना नजर आएगा दोस्तों 23, तो वह आपको पता चल जाएगा कि बीच वाली संख्या हमारी कितनी है 23 है, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 0 गया 0, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब आइए सातवां क्वेश्चन, और आज का आपका ये दूसरा होमवर्क होगा दोस्तों।
बार बार ये कहा जा रहा था कमेंट बॉक्स में, सर विकल्प दीजिए। मैंने पहले क्वेश्चन का तो विकल्प नहीं दिया दोस्तों, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का मैंने आपको विकल्प दे रखा है, और इसको आप बहुत ही ध्यान से करिए, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर पूरी बातें पहले की समझ में आई है दोस्तों तो इसको बहुत आसानी से लगा लेंगे। आइए एक नए कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन देखते हैं, आठवां से आपके क्वेश्चन जो होगा एक नए कॉन्सेप्ट पे, उन कॉन्सेप्ट को कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों की औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है जब 58 kg भार वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए विद्यार्थी या नए विद्यार्थी, ना तो ये बात कर रहा है ना दोस्त, शामिल किए विद्यार्थी या नए विद्यार्थी की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शामिल किए गए विद्यार्थी या नए विद्यार्थी की अगर निकालना है तो लिखेंगे कि शामिल विद्यार्थी या किए गए विद्यार्थी का भार, जगह ये दोस्तों ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, भार हमको निकालना है तो यहाँ पे बराबर होगा हटाए गए विद्यार्थी का भार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हटाए गए विद्यार्थी का भार प्लस माइनस एन की। बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस चीज को आपको बहुत गौर से देखना है कि शामिल किए गए विद्यार्थी का भार हटाए गए विद्यार्थी के भार या विद्यार्थी के भार प्लस माइनस है। ध्यान दीजिएगा, प्लस कब, जब वृद्धि होगी, किसमें, औसत में अगर वृद्धि हो जा रही है उस विद्यार्थी के शामिल करने से अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। यन क्या है दोस्तों, यन यहां पर नंबर है, क्या है दोस्तों, यन यहां पर नंबर है, ठीक है, यन आपका क्या है यहां पे नंबर है, और के आपका है वृद्धि, जितनी केजी की आपकी वृद्धि बताई जा रही है वो आपका। आइए क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्लियरिटी और स्पष्ट होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको शामिल किए गए विद्यार्थी की भार निकालनी है, मैंने बोला हटाए गए विद्यार्थी का भार कितना था भाई 58 kg, हटाए उसको तो हो क्या रहा है, नए विद्यार्थी के शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 kg का क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है, तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। कितने थे, 10 थे, 1 जो वृद्धि या कमी हो रही है वही के का मान है, यहां पर हम 1 का गुणा कर लेंगे तो ये 58 और प्लस 10 एकम 10 बराबर कितना हो जाएगा 68 kg, मतलब जो शामिल किया गया विद्यार्थी है उसकी भार कितनी है दोस्तों 68 kg है। बस छोटा सा चीज कि शामिल किए गए विद्यार्थी का जो भार होगा वो हटाए गए विद्यार्थी के भार प्लस माइनस एन की, अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस लेंगे, अगर कमी हो रही होगी तो माइनस। आइए जरा दोस्तों नवा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं सेम इसी प्रकार से। तो नए शामिल किए गए विद्यार्थी की आयु पूछा है, तो ठीक है नए शामिल किए गए विद्यार्थी की आयु आप समझ रहे होंगे, नए शामिल विद्यार्थी की आयु आप इसको लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है आप देखिएगा ध्यान से, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, हटाए गए विद्यार्थी, तो 27 वर्ष वाले विद्यार्थी के स्थान पर, तो 27 वर्ष इसकी आयु थी, इसी को हमने क्या किया हटाया है, हो क्या रहा है 4 माह की कमी आ जाती है, ध्यान दीजिएगा ये माह में है और कमी आ रही है तो माइनस, 4 माह है तो 4 माह है, कितने लोग हैं पहले ये देख लें, 12 लोग हैं, इसमें गुणा करना है मुझे 4 माह का, जैसे यहाँ 1 kg की वृद्धि हो रही थी, 1 का गुणा किए 4 माह की कमी आ रही है, तो 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो लिखेंगे 4/12, 4 माह को किस में बदलना, माह को वर्ष में बदलना, इसलिए 12 से हमको क्या करना होगा भाग देना होगा, ठीक है, क्योंकि 12 जो माह बराबर होता है 1 वर्ष होता है, इसलिए वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग, तो 12 से 12 कट गया और 27 में से 4 निकल जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 23 वर्ष, यहाँ पे केजी नहीं है, क्या हो जाएगा 23 वर्ष। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात बहुत आसानी से आपको समझ में आई होगी। 2 कॉन्सेप्ट थे, एक नाट था, एक आपका हटाए गए विद्यार्थी प्लस माइनस एन के।
किसका मान निकलेगा, नए शामिल किए गए विद्यार्थी का मान निकलेगा दोस्तों। अब ये दसवां क्वेश्चन आपका आज का तीसरा होमवर्क होगा दोस्तों। ये होमवर्क आपका कौन सा होगा, तीसरा होमवर्क होगा और इसका भी विकल्प मैंने दे रखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे प्लस माइनस एन के कॉन्सेप्ट पर ये भी आपका लग जाएगा दोस्तों। इसे लगा करके बढ़िया से कमेंट बॉक्स में आप प्रत्येक बच्चे कमेंट करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट तो बनता है, कैसा लग रहा है वीडियो हमें जरूर बताएं। हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, बहुत आपके पीछे हम एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करें कि सीधे यहीं से पेपर में आए दोस्तों। तो आप हमें जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।